भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसे चेहरे से जो आने वाले दिनों में भोजपुरी सिनेमा को नई दशा और दिशा देंगे। हमारे साथ हैं रोहित लाल यादव जी, आइए इनसे बात करते हैं इनके नई फिल्म प्यार होता है दीवाना सनम को लेकर जो काफी चर्चा में है। रोहित जी, आपकी फिल्में अक्सर चर्चा में क्यों हो जाती है? मेरी मूवी चर्चा में होने का सबसे बड़ी उद्देश्य है कि आप लोग जैसे साथी भाई बड़े भाई सब उसको उत्साहित से देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और मेरी जो भी मूवी आई है थोड़ा सा लीक से हट के आया है, अच्छी खासी मूवी है जो परिवार के साथ हो सकती है। आप रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पटना के रहने वाले हैं, फिर ये दिमाग में सिनेमा बनाने का कहां से कॉन्सेप्ट आ गया आपको? मैं 7th क्लास में पढ़ता था उसी समय से मेरा शौक था जी, मेरा इच्छा और मेरा लक्ष्य भी था कि फिल्म लाइन में जाऊं जी। यहां पर व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत कठिनाई हुई जी और खुद अपना लाइन चुने और यहां से दिल्ली से लेके मुंबई तक सफर अपनाने पड़ा जी और धीरे धीरे प्रोग्रेस किए और जहां अभी हम हैं बहुत खुश हैं। पिछले साल जो आपकी फिल्म आई थी इस बड़ा बेदर्दी है, उसमें भोजपुरी सिनेमा की दो बड़ी अभिनेत्रियों के साथ आप काम कर रहे थे, लेकिन फिल्म सुपर हिट हुई और आपको एक अलग पहचान मिली, तो कहां आप मानते हैं कि इस बड़ा बेदर्दी है आपके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? ये तो सही बात है कि ये इस बड़ा बेदर्दी है जो पिछले साल हुई, उससे बहुत अच्छा खासा नाम हुआ और वहां से ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आज हिंदी सॉन्ग है गणपति सॉन्ग वो चर्चा में भी रहा, प्यार होता है दीवाना सनम, मायरा एक हिंदी मूवी है, मायरा वो भी आ रही है और दो तीन मूवी और 2020 में आ रही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं भोजपुरी के दर्शक और श्रोताओं? दर्शकों को यही अपना स्तर से आपके चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि जो 2 साल में भोजपुरी का स्थिति जो बिगड़ चुका था, जो स्तर गिरा था, धीरे धीरे सब सही हो गया है और आप पूरे परिवार के साथ भोजपुरी मूवी देख सकते हैं, किसी तरह का कोई गंदगी अब नहीं आ रहा है। यह है रोहित लाल यादव जी और इनका बिना लाग लपेट का कहना है कि भोजपुरी सिनेमा का स्तर आने वाले दिनों में सुधरेगा और जो भी भोजपुरी के कलाकार हैं, भोजपुरी के टेक्नीशियन हैं, भोजपुरी से जिनकी रोजी रोटी चल रही है, सबको मिलजुल कर भोजपुरी को बचाने की जरूरत है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, आप देखते रहिए तब तक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं।